हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर की बात करेंगे, और जो भी अपने एग्जाम्स होते हैं जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर सिलेबस में है, जैसे बोर्ड एग्जाम हो गया, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, नीट हो गया, जेई हो गया, हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और हर एक वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम को भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एनसीईआरटी के अंदर तो इस चैप्टर का नाम सिर्फ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन हम इस चैप्टर को एक और नाम से जानते हैं, हम इस चैप्टर को लिक्विड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, ये आपको इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन हम इसको क्यों बोलते हैं। और इस चैप्टर को हम मेनली दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो भी हमारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट का सिलेबस हो या जेई का सिलेबस हो या फिर बोर्ड का सिलेबस हो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डील करेंगे। पहले पार्ट में हम इसको डील करेंगे कंसेंट्रेशन टर्म, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। Properties of liquid, और दूसरे पार्ट में हम इसमें डील करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोनों पार्ट इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा चांसेस बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने की, और जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें हम लोग कंसेंट्रेशन टर्म और लिक्विड की प्रॉपर्टीज से इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वेटेज दोनों का बराबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेंट्रेशन टर्म के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी और हम बेसिक बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैटर के बारे में, कि मैटर के तीन फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। क्लास 11, 12 के केमिस्ट्री के सिलेबस में हमको मैटर के तीनों स्टेट के बारे में स्टडी करना होता है, सॉलिड स्टेट को भी, लिक्विड स्टेट को भी और गैसेस स्टेट को भी। क्लास 11th में हम स्टेट ऑफ मैटर नाम के चैप्टर पढ़ते हैं, जहां पे हम मैटर के गैसेस स्टेट को डील करते हैं, और क्लास 12th के अंदर हम लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को डील करते हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है और सेकेंड चैप्टर वो लिक्विड स्टेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, जहां पे हम बेसिकली लिक्विड की प्रॉपर्टीज और बहुत सारे लिक्विड से रिलेटेड टर्म को डिस्कस करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को डिफाइन करने से पहले हम एक बेसिक टर्म यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिक्सचर। मिक्सचर या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस हम बोलते हैं। देखो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कि मैटर के बारे में, जो क्लास 9th 10th की बात है, हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, एकदम जीरो लेवल से बात करेंगे, और जितना हमारी रिक्वायरमेंट है हम पूरी रिक्वायरमेंट को कवर करेंगे। तो मैटर को मेनली दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब मैटर को क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिस है वो दो बेसिस है। एक तो मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर के तीन पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें हम एक बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरा बोलते हैं इंप्योर सब्सटेंस। इंप्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कीजिए H2O की, ये एक प्योर सब्सटेंस है। आप बात करो NaCl की, ये सब एक प्योर सब्सटेंस है। आप बात करो ग्लूकोज की, ये एक प्योर सब्सटेंस है। आप बात करो शुगर की, ये सब एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब दो प्योर सब्सटेंस को आप मिक्स कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एक इंप्योर सब्सटेंस। तो इंप्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर का डेफिनेशन होता है व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टूगेदर। व्हेन
टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर called as mixture or impure substance. जब भी कोई दो सब्सटेंस को आप मिक्स कर दोगे तो वो जो एक फाइनल जो कंपाउंड जो फाइनल जो सब्सटेंस बनेगा उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे, इंप्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं। मिक्सचर को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम हेडिंग लगाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये मिक्सचर्स के दो क्लासिफिकेशन है। अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर में आप जैसे देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास एक टर्म है होमो। होमो के मतलब ही होता है सेम। और यहां पे होमोजीनियस मिक्सचर में जो सेम कहने का मीनिंग है वो एक ऐसा मिक्सचर है जिस मिक्सचर के अंदर कॉम्पोजिशन मतलब जो जो भी कंपाउंड मिला करके ये जो मिक्सचर तैयार किया गया उस पूरे मिक्सचर के अंदर कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर कॉम्पोजिशन अगर डिफरेंट है तो वैसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हेट्रो के मतलब ही होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर्स It is the mixtures having same composition throughout the container. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट को मिलाया गया, ये दो कंपोनेंट मिला करके एक मिक्सचर को तैयार किया गया है,
और ये मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर तब कहलाएगा जब इसके अंदर प्रेजेंट ये दोनों कंपोनेंट की कंपोजिशन मिक्सचर की पूरे कंटेनर में सेम होना चाहिए। जितना कंपोजिशन ए और बी का इसके ऊपर वाले पार्ट में है उतना ही कंपोजिशन नीचे वाले पार्ट में भी होना चाहिए, उतना ही बीच वाले पार्ट में होना चाहिए, कहीं पे भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कोई एक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, अगर उसको आप एक कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को 5 गिलास में डिस्ट्रीब्यूट करो और 5 लोग मिलकर के उसको टेस्ट करो तो आपको सभी लोगों को टेस्ट सेम आएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाया गया उसके अंदर जो भी कंपाउंड मिक्स किया गया, जो भी सब्सटेंस को मिक्स करके वो तैयार किया गया, उसके पूरे मिक्सचर के थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन क्या है, सेम है। और इसीलिए उसके हर एक, चाहे कोई ऊपर से टेस्ट करे, मिडिल पार्ट से टेस्ट करे या बॉटम पार्ट से टेस्ट करे, उसको कंपोजिशन सेम ही आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर उसका टेस्ट सेम आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड्स मिलाकर के उसको तैयार किया गया उसकी कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो हम इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द कंटेनर। एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं, आप H2O में आप NaCl मिला दो, H2O प्लस NaCl, या फिर H2O प्लस ग्लूकोज मिला दो C6H12O6, या फिर H2O प्लस शुगर मिला दो या फिर आप H2O ले सकते हो, इसके अंदर आप अल्कोहल मिला दो, मेथेनॉल हम मिला देते हैं। तो ये जो भी एग्जांपल्स हैं ये सब हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेनली वही एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, क्योंकि वही एग्जांपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और आप भी इसी एग्जांपल्स को याद रखो। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के बारे में होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, कि सबसे पहली बात तो यह है कि होमोजीनियस मिक्सचर, अगर कोई हमसे पूछे कि क्यों होमोजीनियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन सेम होती है, इसके पीछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज, कि व्हाई होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द कंटेनर। तो क्या होता है ना कि जब हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को, जब दो कंपाउंड को मिला करके मिक्सचर तैयार करते हैं और वो मिक्सचर अगर होमोजीनियस होगा तो उसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट मिलाया गया है, ए प्लस बी। ए को हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल H2O और बी को हम बोल देते हैं NaCl। वाटर प्लस NaCl का हम एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो मिक्सचर तैयार किए हैं, यहाँ पे जो भी दो कंपोनेंट को मिला करके जो मिक्सचर तैयार किया गया है, इस दोनों कंपोनेंट को, मतलब जब पानी में हम अगर NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो उसको काफी अच्छे तरीके से डिसॉल्व करने के बाद आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ए के जस्ट बाद बी है, बी के जस्ट बाद ए है, फिर ए के जस्ट बाद बी, फिर बी के जस्ट बाद ए, मतलब कोई रैंडम
अरेंजमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स एक सिस्टमैटिक ढंग से यूनिफॉर्मली अरेंज हो गया, और यही यूनिफॉर्म अरेंजमेंट के वजह से इसकी कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेम होता है। अगर आप कंसिडर करोगे, आप मान लो आप इस यहां पे के यहां पे आप अगर मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करोगे, तो जितना मॉलिक्यूल्स आपको यहां पे ए के मिलेंगे जिस प्रोपोर्शन में, ए और बी के मॉलिक्यूल जिस प्रोपोर्शन में आपको यहां मिलेंगे, उसी प्रोपोर्शन में आपको यहां पर भी मिलेंगे, उसी प्रोपोर्शन में आपको यहां पर भी मिलेंगे, उसी प्रोपोर्शन में आपको यहां पर भी मिलेंगे। आप कहीं से भी उठा लो, हर एक जगह पे ए और बी का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा, और यही सेम प्रोपोर्शन होने के वजह से थ्रू और द मिक्सचर क्या होता है, कंपोजिशन सेम होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ इटसेल्फ अरेंज यूनिफॉर्मली। एंड हेंस इट्स कॉम्पोजिशन बिकम्स its composition becomes same throughout the container बोल लो, या फिर throughout the mixture भी बोल सकते हैं। एक और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर्स की, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स को जब आप एक बार मिक्सचर्स को आप अच्छे तरीके से मिलाने के बाद अगर वो मिक्सचर्स होमोजेनियस है, तो आप उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप पानी में मान लो आप नमक डिसॉल्व करते हो, तो काफी अच्छे तरीके से डिसॉल्व करने के बाद आप जब ऑब्जर्व करोगे, तो आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मिक्सचर्स के अंदर कहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है और कहां पे NaCl के मॉलिक्यूल्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि इन होमोजेनियस मिक्सचर्स we cannot identify constituent particles by our naked eye. This is all about the homogeneous mixtures. अब हम बात करते हैं heterogeneous mixtures के बारे में। Heterogeneous mixtures भी जैसे इसके opposite ही हो गया, जिसमें composition क्या होगा, जो भी component मिलाया जा रहा है उसकी composition क्या होगा, same नहीं होगा, different composition होगा। अब what is the reason behind it different composition? क्योंकि उसके जो molecules है, जो उसके constituent particles है, जिसको मिला करके आप mixture तैयार किए हैं, वो उसके अंदर non uniformly arrangement हो जाते हैं। ये उस molecules की properties होती है जो एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है, वो कुछ मॉलिकुल्स ऊपर आ जाएंगे, कुछ नीचे आ जाएंगे। अगर आप उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बावजूद भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो उसमें आपको उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लियरली आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे, आप बाय आवर नेकेड आई यू कैन ऑब्जर्व द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द हेटरोजीनियस मिक्सचर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आप ये टर्म देख सकते हो हेट्रो, और हेट्रो के मतलब ही होता है डिफरेंट।
डिफरेंट। It is the mixtures having different composition throughout the मिक्सचर्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है H2O प्लस सैंड, H2O प्लस ऑयल। आप पानी में सैंड मिला दो, वाटर में आप मिट्टी मिला दो और थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो सारा मिट्टी नीचे आके बॉटम में आकर के बैठ जाएगा। तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ गए और सैंड के मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए। मतलब ऐसे मिक्सचर्स में जिसमें मतलब आप ऊपर सिर्फ वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए और नीचे सिर्फ सैंड के मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब पूरे मिक्सचर्स की अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो गया। अगर आप पानी में वाटर में अगर ऑयल मिक्स करते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑयल फ्लोट करने लगता है। आप काफी अच्छे ढंग से मिलाने के बाद जब थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं फ्लोट करते हुए आपको दिखेगा और आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां कहां पे है। तो ऐसे मिक्सचर्स में हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई से क्लियरली ऑब्जर्व कर लेते हैं, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर्स में आप नेकेड आई से एटलीस्ट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप वगैरह को यूज करते हैं तो हम उसके होमोजीनियस मिक्सचर्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसके पीछे अगर हम रीजन की अगर बात करें कि व्हाई हेटरोजीनियस मिक्सचर्स हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन, तो हम एक हेटरोजीनियस मिक्सचर्स को तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट मिलाया जा रहा है जिसमें हम H2O मिला रहे हैं और सैंड मिला रहे हैं, और H2O को मॉलिक्यूल्स को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सैंड के मॉलिक्यूल्स को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे अगर ये ए है तो इसके जस्ट बगल में कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इसका कोई यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रेंडम अरेंजमेंट में होते हैं। आप देख सकते हो कहीं पे भी ए है और कहीं पे बी है, मतलब जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रेंडमली अरेंजमेंट है। और यही रेंडम अरेंजमेंट होने की वजह से अगर आप अलग अलग पार्ट में अगर कंसीडर करोगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि ए के और बी के प्रोपोर्शन जो यहां पे है वो प्रोपोर्शन आपको यहां पे नहीं मिलेगा, वो प्रोपोर्शन आपको यहां पे नहीं मिल रहा है, वो प्रोपोर्शन आपको यहां नहीं मिल रहा है। मतलब इसके अलग अलग पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स मिलाकर के मिक्सचर तैयार किया गया है उसके प्रोपोर्शन डिफरेंट है, और यही डिफरेंट प्रोपोर्शन होने की वजह से डिफरेंट प्रोपोर्शन इज वाई, डिफरेंट प्रोपोर्शन इज ड्यू टू random arrangement of molecules, and because of this different proportions you have different composition throughout the mixtures, or aise mixtures ko hum kya bolte hain, heterogeneous mixtures। The constituent particles of heterogeneous mixtures constituent
पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड By our naked eye. इसके पार्टिकल्स को आप अपने नेकेड आई से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां पे हम बात किए मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा किसी सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर्स को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उसे बोलते हैं जिसके अंदर पूरे मिक्सचर्स के अंदर कॉम्पोजिशन सेम हो, जो भी कंपाउंड मिला करके, जो भी सब्सटेंस मिला करके उसको तैयार किया गया है उसके पूरे पार्ट में थ्रू आउट द मिक्सचर प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो और अगर प्रोपोर्शन अगर डिफरेंट है अलग अलग पार्ट में तो वैसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है, हम ये सब इसलिए बेसिक बात की चूंकि 9th-10th की बात है तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चूंकि हमको सॉल्यूशन को डिफाइन करना है और सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए बातें बताने जरूरी होती है, नहीं तो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। अब हम सॉल्यूशन को अगर डिफाइन कर सकते हैं तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करें सॉल्यूशन इज नथिंग बट होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट। होमोजीनियस मिक्सचर्स का ही दूसरा नाम सॉल्यूशन है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज इट इज द It is the homogeneous mixture of two or more than two compounds more than two components. एग्जाम्पल की बात करें तो हम वही एग्जाम्पल सब ले सकते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर्स में जैसे एग्जाम्पल की बात किए थे, जैसे H2O प्लस NaCl, H2O प्लस ग्लूकोज, H2O प्लस CH3OH methanol, H2O plus C6H12, ये तो हो ही गया था, C12H22O11। इसके अलावा एक और हम इंपोर्टेंट मिक्सचर की बात करें जैसे एयर, एयर इज आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। इनफैक्ट जो भी जो गैसेस मिक्सचर्स होता है ना, एक पॉइंट हम यहां पर आपको बतला रहे हैं, गैसियस मिक्सचर्स are always homogeneous mixture.
गैसेस मिक्सचर्स को हम हमले हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर्स के केस में काउंट करते हैं, तो एयर इज नथिंग बट द गैसेस मिक्सचर्स ही है, इसलिए हम इसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, और होमोजेनियस मिक्सचर इसलिए हम इसको सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन करने जाते हैं। सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन करने के कई बेसिस हैं, जिसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर आपको दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर आपको तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब वो सॉल्यूशन अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बनाया गया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर चार कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो हम इसको लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट इज क्लासिफाइड इन इट इज क्लासिफाइड एज। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, तीन तरीके से इसको मेनली हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। अगर हम तीनों को डिफाइन करें तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन हैविंग टू कॉम्पोनेंट्स ओनली, सॉल्यूशन हैविंग थ्री कॉम्पोनेंट्स ओनली, और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे फोर कंपोनेंट्स ओनली। जैसा कि नाम से क्लियर है कि बाइनरी का मतलब होता है दो, और टर्नरी का मतलब होता है तीन, और क्वार्टरनरी का मतलब होता है चार। तो एक ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, और तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर चार कॉम्पोनेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो अब देखिए, अब हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो हम हमारे जो एग्जाम्स हैं, तो हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, और सिलेबस का आइडिया होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ते जाओ ये एक हार्डवर्क का एक तरीका नहीं है।
पढ़ना है और एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होती है तो सही होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में जो है आपके एग्जाम्स में जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे सॉल्यूशन से पूछे जाएंगे जिसमें आपको दो ही कंपोनेंट आपको नजर आएगा। मेनली जो हमारे इन जनरल जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी इससे यहां से जो भी हम आगे बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन के बारे में इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस आप इतना जान लो टर्नरी सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसके अंदर 3 कॉम्पोनेंट है और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जिसके अंदर 4 कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हो कि हम बता चुके हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के पास 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, तो 2 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन अगर बाइनरी सॉल्यूशन तैयार है, फॉर एग्जांपल हम H2O और NaCl को मिला के तैयार किए हैं, तो इसमें से हम किसे सॉल्यूट बोलेंगे और किसे सॉल्वेंट बोलेंगे, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो हम हेडिंग लगाते हैं डिटेल में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग टू कॉम्पोनेंट्स ओनली। इस दो कॉम्पोनेंट में हम एक कॉम्पोनेंट को बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे कॉम्पोनेंट को बोलेंगे सॉल्वेंट। अब किसे सॉल्यूट बोलेंगे और किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, इसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बतलाते हैं। कुछ लोगों के पास इसकी मिसकंसेप्शन ये रहता है कि कुछ लोग वाटर को देखते ही सीधा बोल देते हैं कि भाई वाटर है हमेशा वही सॉल्वेंट होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पास ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। दोनों पॉइंट ठीक है और दोनों अपने जगह थोड़ा सा लिमिटेशन भी है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कुछ भी बोल सकते हैं। जहां तक 9th-10th की सिलेबस की बात होती है तो वहां पे हमें यही पढ़ाया जाता है कि जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो या इन जनरल जो वाटर होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन जब हम क्लास 12th में स्टैंडर्ड क्लासेस में आते हैं तो थोड़ा इसको हम डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर हम आपको 3 पॉइंट आपको बतलाएंगे जिससे आप बहुत इजीली पहचान पाओगे कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। हम ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं कि जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वही सॉल्वेंट होगा या फिर वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। हम आपको यहाँ 3 पॉइंट बतलाने जा रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको जिस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पता करना है, आप पहले चेक करो उसकी फिजिकल स्टेट कि दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम है या डिफरेंट। अगर दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अगर सेम है तब जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तब उसे सॉल्वेंट बोलेंगे और दूसरे को सॉल्यूट बोलेंगे। बट अगर दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है, एक अगर मान लीजिए सॉलिड है एक लिक्विड है, या फिर एक लिक्विड है एक गैस है, या फिर एक गैस है या एक सॉलिड है, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, तब हम अमाउंट को नहीं देखेंगे, तब दोनों कॉम्पोनेंट में से जिस कॉम्पोनेंट की फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के साथ मैच करेगा वो कंपोनेंट हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। लेकिन अगर दो कंपोनेंट में दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट भी सेम हो और दोनों कंपोनेंट की अमाउंट भी सेम हो, तो ऐसे केसेस में आप किसी को भी सॉल्यूट कंसीडर कर सकते हैं और किसी को भी आप सॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहां पे इस तीनों पॉइंट को लिखते हैं, तो आप हेडिंग लगा लो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Concept of solute and solvent. सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं जो पहला पॉइंट है हमारा
इफ बोथ कंपोनेंट्स हैविंग having same physical state then the component which present in In large amount is considered as solvent. Second point, if If both components having same physical state and also having same amount and also present in same quantity then Anyone can be considered as solute and solvent. अगर दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अगर सेम हो तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे आप सॉल्वेंट बोलोगे, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे आप सॉल्यूट बोलोगे। अमाउंट का फंडा तब लगाएंगे जब फिजिकल स्टेट सेम हो, और अगर दोनों की फिजिकल स्टेट भी सेम हो और दोनों की अमाउंट भी सेम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप किसी को भी सॉल्यूट कंसिडर कर लो, किसी को भी सॉल्वेंट कंसिडर कर लो, कोई सा भी सॉल्यूट हो जाएगा और कोई सा भी सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट हो तो इस केसेस में फिर हमको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तब हम चेक करेंगे कि दोनों कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के साथ मैच कर रहा। थर्ड पॉइंट, इफ बोथ कंपोनेंट having different physical states having different physical state Then the component which present in then the component which sorry then the component which have
सेम फिजिकल स्टेट एज डेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, इज कंसिडर एज सॉल्वेंट। अगर दोनों कंपाउंड की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के साथ मैच करेगा उसी को हम क्या कंसिडर करेंगे, सॉल्वेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। यहां पे हमको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो ये तीन पॉइंट है, जिस तीन पॉइंट के हेल्प से आप किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम इस तीनों पॉइंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जहां पे आपको बेसिकली हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो हम यहाँ पे हम पांच क्वेश्चन लिखते हैं, टोटल वेराइटी यहाँ पे हम कवर करेंगे और पांचों वेराइटी में आपको ये बतलाना होगा कि कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन गिवन बाइनरी सॉल्यूशन इन फॉलोइंग बाइनरी सॉल्यूशंस। H2O प्लस NaCl मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहा है, तो यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं, पहले एग्जांपल हम लिख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। H2O प्लस NaCl को एक बार फिर से ले लेते हैं और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना रहा। यहाँ पे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल H2O जो है हमारा वो 100 ml है और NaCl जो हमारा वो 1000 ग्राम। यहां पे हम H2O को कंसीडर कर लेते हैं, थाउजेंड मिलीलीटर, और NaCl को कंसीडर कर लेते हैं 100 ग्राम। तीसरा है H2O प्लस CH3OH, ये दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। दूसरा पेज में लेते हैं, दो एग्जांपल और है अभी। H2O CH3OH सॉल्यूशन। यहां पे हम H2O को कंसीडर कर लेते हैं 100 मिलीलीटर और अल्कोहल को कंसीडर कर लेते हैं
थाउजेंड मिलीलीटर। यहां पे H2O को हम कंसिडर कर लेते हैं, थाउजेंड मिलीलीटर, और अल्कोहल को कंसिडर कर लेते हैं हंड्रेड मिलीलीटर। इस केस में हम दोनों को सेम अमाउंट में ले लेते हैं, 100 मिलीलीटर H2O इज मिक्स्ड विथ 100 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल। अब ये पांचों सॉल्यूशन में हमको पता करना है कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहला जो हम कंसिडर किए थे। आप यहां पे ध्यान से देखो, हमने तीन पॉइंट आपको बताया है कि कभी भी अगर किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता करना है, तो आप सबसे पहले देखो कि उसके अंदर जो प्रेजेंट दोनों कंपोनेंट है उसकी फिजिकल स्टेट सेम है डिफरेंट। अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो सीधा आप अमाउंट से देख लो, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वही सॉल्वेंट होगा। अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम भी है और दोनों का अमाउंट भी सेम है तो फिर आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो सॉलिड सॉल्वेंट। बट अगर फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो दोनों सॉल्यूशन में से जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के साथ मैच करेगा वही हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा सॉल्यूट। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देख सकते हो, H2O प्लस NaCl एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है। H2O की फिजिकल स्टेट तो हमको मालूम है लिक्विड होता है और NaCl की फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। आप वाटर में जब NaCl मिलाओगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगा लिक्विड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट क्या है डिफरेंट, और जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो हमको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट चाहे ज्यादा हो या कम हो, दोनों में से जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के साथ मैच करेगा वही हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट और जिसका नहीं मैच करेगा वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे H2O का फिजिकल स्टेट लिक्विड है और सॉल्यूशन का भी लिक्विड है, मतलब H2O की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के साथ मैच कर रहा है, तो यहां पे हमारा H2O जो हो जाएगा ये कहलाएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और NaCl क्या क्या कहलाएगा हमारा सॉल्यूट। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फिर से आप देख सकते हो कि यहां पे H2O का फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड, NaCl का फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड। तो फिर से यहां पे दोनों सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के साथ मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो यहां पर H2O जो हो जाएगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, तो चाहे फिजिकल स्टेट देखिए दोनों जगह डिफरेंट था लेकिन यहां पे वाटर का अमाउंट कम था, NaCl का अमाउंट ज्यादा था, लेकिन यहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है और NaCl का अमाउंट कम है, बट स्टिल दोनों जगह जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, लेकिन वाटर हमेशा सॉल्वेंट नहीं होता है। अभी हम आगे केसेस देखेंगे जहां पे वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, कोई दूसरा कंपोनेंट भी सॉल्वेंट हो सकता है, बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना बस उसके अकॉर्डिंग चलना है कि अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो जो ज्यादा जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के साथ मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे H2O को मिक्स किया गया है अल्कोहल के साथ, H2O को अल्कोहल के साथ मिक्स किया गया मेथेनॉल के साथ, तो H2O की फिजिकल स्टेट तो लिक्विड ही होगा, मेथेनॉल की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा और लिक्विड को जब आप लिक्विड से मिलाओगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा, उसको भी उसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होगा। तो चूंकि यहां पे दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम है तो ऐसे केसेस में जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो आप इसमें देखो यहां पर अल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं यहां पे H2O होने के बावजूद भी यहां पे सॉल्वेंट की तरह कौन काम कर रहा है अल्कोहल, इसलिए हम ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं कि वाटर ऑलवेज कंसीडर एज ए सॉल्वेंट, ये डिपेंड करेगा है ना। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे आप ध्यान से देखो वाटर प्रेजेंट है 100 ml और अल्कोहल प्रेजेंट है वाटर 1000 ml है और अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml। वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड, अल्कोहल का फिजिकल स्टेट भी लिक्विड, वाटर में अल्कोहल मिलाइएगा एक सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो दोनों का जब फिजिकल स्टेट सेम है तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो यहां पे वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वाटर को हम क्या कंसिडर करेंगे सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट और अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूट। अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो आप यहाँ पर देख सकते हो वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड और अल्कोहल की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड और दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी फिजिकल स्टेट भी लिक्विड, बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट एंड ऑल्सो हैव सेम अमाउंट। तो ऐसे केसेस में हम आपको बतलाएं जो हमारा थर्ड पॉइंट था, सॉरी सेकेंड पॉइंट है कि आप किसी को भी सॉल्यूट कंसिडर कर सकते हैं और किसी को भी सॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप वाटर को सॉल्वेंट अगर आप बोलोगे, अगर आप वाटर को सॉल्वेंट बोलते हो तो इस केस में आप अल्कोहल को आप बोलोगे सॉल्यूट और या अगर वाटर को अगर आप सॉल्यूट बोलते हो तो आप इसे बोलिएगा सॉल्वेंट। तो ये तीन पॉइंट के हेल्प से हम यहां पे टोटल पांच क्वेश्चंस लिए और पांचों क्वेश्चन में ऑलमोस्ट टोटल वैरायटी कवर करने की कोशिश किए हैं, जहां से इस पांचों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल भी आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे किसी भी तरीके का बाइनरी सॉल्यूशन क्यों नहीं दे दिया जाए आप उसमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। एक बार फिर से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिपीट करते हैं कि अगर कभी भी दो बाइनरी एक बाइनरी सॉल्यूशन के बीच में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आप पहले चेक करो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट अगर दोनों कंपोनेंट का अगर सेम है तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्वेंट होगा, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट होगा। अगर फिजिकल स्टेट भी सेम है क्वांटिटी भी सेम है तो यहाँ पे आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बट अगर फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के साथ रिजेंबल करेगा वही कंपाउंड को हम कंसिडर करेंगे सॉल्वेंट और सेकेंड वन जो कंपाउंड है उसको हम कंसिडर करेंगे सॉल्यूट। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।